दिनों में तीसरी बार बम विस्फोट, बच्चे की मौत, इलाके में दहशत। भागलपुर से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। नाथनगर के चंपानगर स्थित मखदूम सा दरगाह घाट पर बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई है। घटना सोमवार दिन से 11:15 बजे की है। घटनास्थल पर दो जिंदा बम अभी भी पड़े हुए हैं। मृतक की पहचान अमृत दास के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम आनंद कुमार दास है। वह मखदूम शाह दरगाह घाट चंपानगर का रहने वाला था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जिंदा बम को नष्ट करने की प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। बम विस्फोट के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी भी मची हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र मखदूम सा दरगाह घाट पर सोमवार की सुबह से बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान नया टिफिन देखकर एक बच्चे ने उसे उठा लिया। इस दौरान टिफिन उठाते ही जोरदार धमाके के साथ बम फट गया। बम ब्लास्ट व बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल बच्चे अमृत दास को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 5 दिन के अंदर नाथनगर क्षेत्र में बम विस्फोट की यह तीसरी घटना है। 9 दिसंबर को नाथनगर स्टेशन के पश्चिमी केविन के पास झाड़ी में रखे बम के विस्फोट से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। 11 दिसंबर को मोमिनटोला में बम विस्फोट में 3 बच्चे घायल हुए थे। उन मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लगातार बम विस्फोट से लोगों में दहशत व्याप्त है। धन्यवाद।